हेलो फ्रेंड, फुद्दु स्टेप हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको पता चल जाए। इस इंट्रो को बनाने के लिए मैंने काइन मास्टर और पिक्सल लैब एप्लीकेशन का यूज़ किया है। तो सबसे पहले आप पिक्सल लैब ओपन कीजिए और नीट इसको आप डिलीट कर दीजिए। डिलीट कर देने के बाद आपको प्लस आइकन, उसके बाद फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद मैंने एक चार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से जाके वो चार्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसको यहां पे इंपोर्ट कर लीजिए। और इंपोर्ट कर लेने के बाद फ्रेंड्स, आपको प्लस आइकन, फ्रॉम गैलरी, इसके बाद अपने चैनल का लोगो इंपोर्ट कर लेना है। चैनल का लोगो इंपोर्ट कर लेने के बाद उसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने हिसाब से भी ड्रॉ कर दे सकते हैं जिस जैसे आपको अच्छा लगे। ड्रॉ कर देने के बाद प्लस आइकन, उसके बाद टेस्ट पे आपको क्लिक करना है। टेस्ट पे क्लिक करने के बाद इस पर जो नीट टेस्ट आपको लिखा नजर आए इस पर डबल टाइप करोगे तो कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपने चैनल का नेम दे देना है, उसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ए नज़र आ रहा, इस पर ए पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टाइल बी नज़र आ रहा है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद बी पे क्लिक कर दीजिए, ये आपका फॉन्ट बोल्ड हो जाएगा, मतलब मोटा हो जाएगा। और उसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेट कर दीजिए, चार्ट के ऊपर बिल्कुल अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं फ्रेंड्स, नहीं तो आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। और सेट हो जाने के बाद यहाँ आपको एक लेयर जैसा आप पर नज़र आ रहा है, बिल्कुल नीचे में देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद टॉप पैरेंट करने के बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए और उसके बाद सेव एज इमेज करके इसे सेव कर लीजिए। इसे सेव कर लेने के बाद फ्रेंड्स, आपको काइन मास्टर अप्लीकेशन को ओपन करना है। और काइन मास्टर अप्लीकेशन को ओपन करने के बाद मीडिया ब्राउजर में आपको जाना है, और मीडिया में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ब्लैक बैकग्राउंड आपको ले लेना है। ब्लैक बैकग्राउंड ले लेने का बिल्कुल शुरू में आ जाना है। उसके बाद लेयर मीडिया, मीडिया में जाने के बाद ये वाली वीडियो इंपोर्ट कर लेनी है जो एक ग्रीन स्क्रीन में है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ तो आपको फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन कर देने के बाद फ्रेंड्स, इसी वाली वीडियो वाली लेयर पर जो ग्रीन स्क्रीन है यहाँ पर क्लिक करना है और क्रोमा की का इसे इनेबल कर देना है। और इसे इनेबल कर देने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा आगे जाना है। यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हो जहाँ पे मैं जा रहा हूँ यहाँ तक जाना है बिल्कुल। यहाँ पे जाने के बाद आपको फिर लेयर पे क्लिक करना है, और फ्रेंड्स यहाँ पे आप लेयर पे क्लिक कीजिए और उसके बाद मीडिया में जाके जो आपने लोगो बनाया है पिक्सल लैब को, उस लोगो को इम्पोर्ट कर लीजिए। उस लोगों को इंपोर्ट कर लेने के बाद अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे रखना चाहते हैं रख दीजिए। इसको आप कोशिश ये कीजिए कि बिल्कुल बीचों बीच में रखा जाए। और उसके बाद इन एनिमेशन में जाके यहाँ पॉप वाला एनिमेशन दे दीजिए, और यहाँ पर पॉप वाला एनिमेशन देने के बाद यहाँ पर आप थ्री बिंदी पर क्लिक कीजिए और सेंड टू बैक कर दीजिए, और यहाँ पर राइट वाले सिंबल पर क्लिक कर दीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका इंट्रो बन के तैयार हो चुका है। ये चलिए इसको प्ले करके देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट्रो काफ़ी अच्छी तरीके से बन चुका है। फ्रेंड्स, अगर आप सोच रहे हैं इसमें कोई साउंड देना है तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई साउंड नहीं देना है क्योंकि जो ग्रीन स्क्रीन की वीडियो उसमें साउंड मौजूद है। फ्रेंड्स, फिलहाल इस वीडियो में इतना है। फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।